हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें मैंने बहुत पहले आपको कुछ बोला था, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र प्राइवेट लिमिटेड, पूरा नाम इसका TTML है, और बहुत लोग मेरे को इस पे ज्ञान भी दे रहे थे कि टाटा टेली सर्विसेज नहीं, टाटा टेली बिजनेस और पता नहीं क्या क्या नाम है। जो NSE पर रजिस्टर्ड है, NSE रजिस्टर्ड पोर्टल पे इसका नाम जो है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जितने भी महान लोग हैं, टाटा भाई आप लोग बहुत महान है, मुझे इतना महान नहीं बनना, मुझे प्रॉफिट कमाना और मुझे यहाँ पे अच्छा खासा मंथली, कम से कम मेरा टारगेट है लगभग आपको 20% रिटर्न स्विंग ट्रेड इंट्राडे और सारा रिटर्न मिला के कमाना, और वो मैं कर लूंगा कहीं ना कहीं से। आप लोग इतने जो इंटेलिजेंट हो ना, उन लोगों को आज मैं कुछ आईना दिखाने आया हूँ। और मैं दो स्टॉक्स में एक करके, मतलब इतनी बड़ी मुझे लगती है कि गलती, रिटेल इन्वेस्टर्स को ना समझाना बहुत बड़ी गलती है। उनको मैंने समझाया था, पहला स्टॉक्स था इज माई ट्रिप, जाके देखिए कौन से लेवल पे मैंने आपको बेचने के लिए बोला था, आप कौन से लेवल पे, वहां पे मेरे को इतनी मतलब बेहतरीन बेहतरीन गालियां पड़ी है, मेरे को कुछ नए नए वर्ड सीखने को मिल गए इज माई ट्रिप में, ठीक है, अच्छे से वहां पे कुटाई हुई इन लोगों की। और फिर लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इज माई ट्रिप पर, लोग बोल रहे हैं सर मैं इस सर क्यों गालियों के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा था कि इज माई ट्रिप पे तू टारगेट बता, मैं टारगेट इतना बता रहा हूँ दिवाली तक का। अरे भाई, दिवाली से पहले ही मैं जितना तुम दिवाली तक वेट करके कमाओगे, उतना मैं उतने में स्विंग ट्रेड ले लेके उससे ज्यादा कमा लूंगा, और दिवाली तक में भी मेरे पास वो शेयर रहेगा, तुमसे ज्यादा रिटर्न पे बैठा रहूंगा। तो यहाँ पर पैसा कमाने आए हो या कमाने, पहले खुद सीख लो। और दूसरी बात यहाँ पे होती है, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 95% स्टॉक को यहाँ पे बाय किया, यहाँ तक गया, लालच आ गई ऊपर जाने का, गिर के स्टॉक इससे नीचे आ गया, इस वाले लेवल से नीचे आ गया। आप क्या सोचेंगे, भाई प्लीज तू कॉस्ट पे आ जा, मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर जाऊंगा, और कॉस्ट आते ही 1-2% प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की सच्चाई है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो बचाना चाहता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, फ्री में करोड़पति बनाना सिखाते हैं, करोड़पति बनाएंगे, करोड़पति। यार यहाँ पे 1% प्रॉफिट कमाना ना इंट्राडे चाहे कोई सी भी ट्रेड, फिर पता चलता है क्या होता है। और फिर मैं क्या बोला हूँ, मतलब आता है रिटेल इन्वेस्टर और ये ओखली होती है, ओखली पता है ना आपको, और यहाँ पे मूसल होता है। खुद रिटेल इन्वेस्टर आके बोलता है प्लीज मेरे सर को जो है ओखली में डालो और कूच दो, और क्या करते हैं FIIs DIIs इनका सर रखते हैं इसमें और अच्छे से कूच के यहाँ से भगा देते हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। चलिए लेक्चर बहुत हो गया, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। मैंने क्या बोला था, ये मैंने थंबनेल रखा हुआ था एक वीडियो में, और टाटा टेली सर्विसेज मैंने बोला था आगे बहुत बड़ा खतरा है टेक्निकल पॉइंट्स पे, पूरी वीडियो जरूर देखो वरना बहुत पछताओगे। और देखिए स्टॉक में क्या हुआ, रिवर्सल चालू है, उसके बाद स्टॉक ऐसा नहीं कि उसी दिन गिर गया था, स्टॉक उसके बाद अप मोमेंटम दिखा, अच्छा खासा अप मोमेंटम दिखाया, लगभग 5-5% के डेली अप सर्किट लगते थे। लेकिन मैं आपको सीधे एक बात बता रहा हूँ, टेक्निकली पॉइंट पे बता रहा हूँ, जो चीज बिना बेस के ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, वॉल्यूम जीरो हो रहा है लगभग, और ऊपर जाए जा रही है, ऊपर जाए जा रही है, अभी मेरे को कोई एक इंसान आके बता दे कि क्यों टाटा टेली सर्विसेज खुलता है यहाँ पे, जब इस लेवल के बाद जाने के बाद जब लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ, क्या कोई गलत न्यूज आ गया टाटा टेली सर्विसेज में, क्या ऐसा फंडामेंटली चेंज हुआ जो लगातार अभी इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, 5 दिन से लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, 5 दिन का लोअर सर्किट मतलब 25% का लोअर सर्किट क्यों लग रहा है भाई, क्यों कोई बताएगा। 5 दिन अगर, अब दिन के आंकड़ों में मत जाना, 5 दिन और 3 दिन 2 दिन, दिन के आंकड़ों में मत जाओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो अगर किसी के पास इतना नॉलेज है कि ये लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, इतना लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। आज की वीडियो में किसी एजुकेशनल पर्पज के लिए नहीं बना रहा हूं, ये इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, आपको प्रॉफिट कमवाना चाहता हूं। और ऐसा नहीं कोई भी, मैं भी ऐसा नहीं कि दूध का दूल्हा हूं, आपको एकदम आके प्रॉफिट ही कमवाऊंगा, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आखिर कोई भी एक इंसान मुझे आके बता दे कि ये ऊपर जाने के बाद ऊपर गया, फंडामेंटली लोग बोल रहे थे गोल्ड माइन है, तो ठीक है गोल्ड माइन की वजह से ऊपर जब गया, तो इस गोल्ड माइन में कोयले का खदान मिल गया क्या जो नीचे आने लगा, बता दीजिए, कमेंट में इंतजार करूंगा उन वीरों का जो वीर है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे, अगर आज के कारोबार की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिल सकता है 5% का डाउन मोमेंटम। बात करें यहाँ पे डे रेंज की, तो लगभग आप देख सकते हो पूरा डे रेंज बहुत ही अच्छा है, 44.15 रुपए, 44.15 रुपए का हाई, ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे
सेलिंग ऑर्डर लगवा, और क्यों ये बीर लोग जो यहाँ पर अपनी लाइन लगा के खड़े थे, यहाँ बीर क्यों लाइन लगा के खड़े हैं बता दीजिएगा। वॉल्यूम देख रहे हैं 0 0, सब कुछ 0 लगभग, कुछ एक आध वॉल्यूम हुआ होगा तो हुआ होगा। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। ये चार्ट पैटर्न देखिए 2008 का है, 2008 में इसने अपना लगभग ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था। यहाँ पर अगर एग्जैक्टली डेटा बताया जाए तो आपको मैं बता देना चाहूंगा लगभग 57 रुपए के आसपास, 57 रुपए 21 पैसे के आसपास। तो अगर इसका ऑल टाइम हाई जब भी यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 54 रुपए के आसपास है ऑल टाइम हाई, इसको भी अभी इसने ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे आते हैं, ये बेसलेसली ऊपर जा रहा है लगातार। अब देखिए एक दिन हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन से लोअर सर्किट इसमें जारी है, तमाशा जारी है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि देखिए बिना बेस के ये लगभग आपको मतलब ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन स्विच कीजिए या थोड़ा सा सोच के रखिए। अब उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा जो यहाँ पे रियल में इनको कुछ दिख रहा है, जिनको फ्यूचर दिख रहा है उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप सही में रियल अगर आपको लगता है कि आप, लेकिन अगर कोई है जो लोअर सर्किट लगने की वजह से परेशान है और इस लाइन में आके खड़ा हो गया है यहाँ पर, तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन है आखिर भाई आपको क्या कल को दिख रहा था यहाँ पे लाइन लगा के खड़े थे और अब यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हो। तो इसलिए संभल जाइए, मार्केट आपको बहुत लात मार के निकालेगी, लात पैर, समझते हो ना, बिहारी भाषा में बोलते हैं ना, इतना लात मारेगी ना कि आप सुधर जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिल गया फिर किसी नए वीडियो में। सॉरी अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी तो, अगर मेरी बातों से कोई हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि यार कुछ भी बाई करो आप, आपको आखिर इसमें कुछ तो दिख रहा होगा। क्या दिखा जो आप अपर सर्किट पर, अपर सर्किट लग रहा था और आप आ गए भीड़ में, क्या लग रहा है आपकी लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया और आप आ गए भीड़ में बेचने। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इसके लिए, मतलब जिसको भी बुरा लगा उससे सॉरी बोल रहा हूँ, दिल से सॉरी है।